हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टूर के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी चर्चा होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। तो एक एक चीज़ें हम देखेंगे इस पर, ठीक है। कट ऑफ क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हो एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कट ऑफ फीस, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, साथ ही साथ हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। और इसमें आप पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है ये और बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं, तो उन सारे कॉलेजेस के बारे में देखेंगे। उसमें सीट्स कितने हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, हर एक चीज़ देखेंगे। और आपको एक बात पता होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे अगर पढ़ते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ ये दिल्ली में लोकेटेड है, तो आपको पता है कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं वही जो है उसमें क्वालिफाई भी करते हैं। अगर आप कभी रिजल्ट आए तो ज़रूर एक बार जा करके देखना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं इस टूर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। बहुत शानदार चर्चा होने वाली है। YouTube पर आपको हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसा वीडियो ना मिले तो लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अभी जो नया जो नोटिफिकेशन आया है डीयू की ओर से, यहाँ पर बताया गया है कि जो फेज 2 था वो 7 तारीख तक आपका समाप्त हो रहा था, लेकिन अब ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं करवाया था अपना फेज 2 का, आपने प्रेफरेंस फिलिंग और फी पेमेंट जो भी होता है अगर आपने वो नहीं किया है, ठीक है, पर क्या कॉलेज कॉम्बिनेशन, ठीक है, फी पेमेंट उसके बाद होता है फेज 2 के बाद, बट यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपने द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द प्रेफरेंसेस प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू द फ्राइडे, ठीक है, 9 अगस्त तक। तो जल्दी से जिन्होंने 7 अगस्त तक नहीं करवा पाया था तो 2 दिन का और आपको टाइम यहां पर एक्सटेंड हो गया है, जाकर के फटाफट से सभी लोग यहां पर करवा लीजिए। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के लास्ट में जो है आपको एक और चीज बताने वाले हैं और उसके लिए हम एक और छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम प्रेफरेंस की सीट हम देने वाले हैं, ठीक है, प्रेफरेंस की सीट देने वाले हैं, मतलब कॉलेज वाइज रैंक वाइज कॉलेज, ठीक है। कि अगर आपको मान लो कि बीएससी करना है तो बीएससी में आपको कौन से कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, किसको जो है रैंक वाइज कैसे रखना है, तो वो सारी चीज़ें हम कॉलेज का लिस्ट आपको, साथ ही साथ उस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स चलता है, वो सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए भी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो ये हमने बताया कि भाई ये जो कैंपस है आपका ये 3 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है आपका नॉर्थ कैंपस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक कैंपस है आपका नॉर्थ कैंपस, दूसरा है साउथ कैंपस, एक और है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ऑफ कैंपस, ठीक है। तो ऑफ कैंपस, अब नॉर्थ कैंपस में 13 से 17 कॉलेजेस हैं, जो कि 13 कॉलेजेस के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। टॉप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टॉप कॉलेजेस हैं वो यही सारे हैं, किरोरीमल कॉलेज, दौलत राम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे सेंट स्टीफन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, रामजस कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, हिंदू कॉलेज, हंसराज का नाम सुना होगा, ये सारे, मिरांडा हाउस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉलेज कहाँ पढ़ते हैं, नॉर्थ कैंपस में। और जब NIRF का रैंकिंग देखोगे कॉलेज वाइज तो उसमें आपको इसमें कई सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे, टॉप 10 में दिख जाएंगे ये सारे कॉलेजेस, इसमें से कुछ कॉलेजेस, ठीक है। इसके बाद साउथ कैंपस का भी नाम बहुत, इसका भी जलवा है, ठीक है, हालांकि इससे थोड़ा कम है बट इसका भी बहुत जलवा है। तो इसमें जो है गार्गी कॉलेज देखोगे बहुत फेमस है लड़कियों के लिए, ठीक है, साथ ही साथ आर्यभट्ट कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद जीसस एंड मैरी, और अगर आप देखोगे कहां गया, वेंकटेश्वर कॉलेज, ठीक है, ये वाला कॉलेज, ये तो भाई ये कॉलेज जो है ना नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज से कम नहीं है, एकदम इसको टक्कर देता है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे हैं, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। इसके बाद जो है ऑफ कैंपस भी है, बट ऑफ कैंपस में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर नाम हमने नहीं लिखा है, बट जब हम प्रेफरेंस सीट देंगे तो उसमें और सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ऑफ कैंपस भी है जो कि इसके अलावा, तो ये दिल्ली हो गया, तो इधर नॉर्थ साइड में नॉर्थ कैंपस, साउथ साइड में जितने भी कॉलेज हैं ये सारे 13-14 जो भी कॉलेज दिख रहे हैं इस सबको मिला करके साउथ कैंपस, और जो ईस्ट में वेस्ट में इधर जो बचे हैं इधर उधर सब लोकेटेड हैं दिल्ली में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। तो चलो ये हो गई हमारी कॉलेज की बात, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से चलते हैं ये देख लीजिए। तो यहाँ पर बीए के कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, लैंग्वेज के प्रोग्राम्स, ठीक है। तो लैंग्वेज में यहाँ पर जो है बीए ऑनर्स अरेबिक है, ठीक है, बीए ऑनर्स बंगाली है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ठीक है। तो जैसे जेएनयू में हमने आपको दिया था एक वीडियो, जेएनयू का हमने टूर किया था, उसमें बताया था कि वहां भी जो है ये सारे जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, बंगाली नहीं, ठीक है, बंगाली शायद था कि नहीं पता नहीं, रशियन था, ठीक है, और इसमें चाइनीज तो है नहीं। तो इसमें कुछ जो है लैंग्वेज के कोर्सेस यहाँ है, और कुछ कोर्सेस में यहां पर जो फ्रेंच लैंग्वेज जैसे है, जर्मन लैंग्वेज है, यहां पर आपको प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर ये देखो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के, ठीक है। तो सोशल साइंसेस में आप जानते हो कि जो है हिस्ट्री, पॉलिटी वाले सब्जेक्ट्स, तो यहां पर अप्लाइड साइकोलॉजी का चलता है, ठीक है। इसके बाद बी ऑनर्स साइकोलॉजी, यहां पर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहां एक ये ऐसा कॉलेज है, आप समझो डीयू, जहां पर प्रोग्राम भी चलता है, जैसे यहां पर बीए प्रोग्राम हो गया और बीए ऑनर्स का भी कोर्स यहां पर चलता है। सब बीएचयू में देखोगे तो ऑनर्स मेनली देखोगे, फिर एयू में देखोगे तो मेनली जो है आपको वहां पर प्रोग्राम दिखेगा, लेकिन यहां पर जो है ऑनर्स भी मिलेगा, आपको प्रोग्राम भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कोर्सेस अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसीलिए जो है सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है, हम बहुत सारे बच्चे भी यहां पढ़ने आते हैं, ठीक। कुछ खासियत भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर साइंस, मैथमेटिक्स एंड जो है टेक्नोलॉजी के कोर्सेस यहां पे है, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, फिर है बीएससी ऑनर्स, ठीक है, बायोमेडिकल है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर है, ठीक है। इसकी कट ऑफ से रिलेटेड भी हम बात अभी करेंगे। तो ये सारे के सारे आप ये देख लो, यहाँ पर सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ये क्या है, यहाँ पर बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। हमने पहले बताया कि बीएससी प्रोग्राम में आपको जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, और इसकी कट ऑफ कितने में बनती है तो 600 में, और स्टैटिस्टिक्स और जो मैथमेटिक्स होता है और एक कंप्यूटर साइंस, उसका जो है आपका 800 में बनता है, उसमें लैंग्वेज का भी काउंट होता है। इसमें जो लैंग्वेज आप लेते हो वो कम, उसका जो है नंबर काउंट नहीं होता, उसमें सिर्फ 30% आपको लाने होते हैं पास के लिए, ठीक है, और 3 डोमेन आपका होता है, ठीक है। तो बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड साइंसेज, ठीक है, और ये सब पढ़ लेना, ठीक है, बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, ये सब जो है बीएससी प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, इसमें आपको कम नंबर पर थोड़ा सा एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका बीकॉम एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स भी चलता है, बीकॉम भी चलता है। बीकॉम ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको लेना होता है एज अ डोमेन, और 2 सब्जेक्ट और लेने होते हैं, मतलब इसमें आपको कंपलसरी है कि मैथ या अप्लाइड मैथ आपके पास होना चाहिए, और बीकॉम में मैथ्स लेना इंपॉर्टेंट, मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बीबीए, ठीक है, और यहाँ पर बीए ऑनर्स बिजनेस इकोन, बीबीई और बीएमएस भी चलता है, ठीक है। ये सब कोर्सेस में अगर ले लोगे एडमिशन ना इन सारे कोर्सेस में, तो आपको भी यहाँ पर प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वोकेशनल स्टडीज भी कोर्सेज चलते हैं, विवोक बैंकिंग ऑपरेशन में, विवोक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज भी यहाँ पर चलते हैं, ओके। ये हो गई बात हमारे कोर्सेज से रिलेटेड। अच्छा, और भी बचे हैं, म्यूजिक के कुछ कोर्सेज हैं, बीएन म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, ये सब भी कोई इंटरेस्ट है आपको तो भाई इसमें भी एडमिशन आप ले सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी हो गई कोर्सेज की बात, और कैंपस की बात हमने पहले कर ली है, ठीक है। अब कैंपस और कॉलेजेस के थोड़ा सा और इसमें और डिटेल करने के लिए हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, ये हो गई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अगर आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये क्या हो गया, ओके, ये हम लोग बीएचयू के ऊपर आ गए, ठीक है, चलो एक फिर से हम सर्च कर लेते हैं। तो हम लोग डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो ये कई सारे सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर कि एमिनिटीज़ की बात तो कर लेंगे, कैंपस के बारे में, हम कॉलेज के बारे में देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ईस्ट और वेस्ट, वही ईस्ट और वेस्ट को मिला करके यहाँ पर बनता है आपका ऑफ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, देन आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आपके आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, हालांकि हमने नॉर्थ कैंपस का आपको कॉलेज बता ही दिया है, ठीक है। साउथ कैंपस आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। इसमें आप मैंने बता दिया है, यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये ओपन हो जाएगा और आप खुद से भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये ओपन हो गया है शायद, देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया साउथ कैंपस, कुछ देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये साउथ कैंपस। और साउथ कैंपस के बारे में आप पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पर 69 हेक्टेयर में यहाँ पर फैला हुआ है,
ठीक है 28 हेक्टेयर 69 एकड़ में, ठीक है। और यहाँ पर आगे पढ़ सकते हो कि गार्गी कॉलेज है, आत्माराम सनात, जो भी हमने वहाँ पर लिस्ट दिया आपको वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ ये कैंपस के बारे में यहाँ पर आप आकर के देख भी सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ईस्ट कैंपस वेस्ट कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये भी आप चेक कर सकते हो। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपनी ओर से भी चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, कॉलेज और कैंपस का लिस्ट आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका जिसके बारे में कई बार सवाल भी आया कॉमेंट में, इसको देख लो, एडमिशन इन माइनॉरिटी कॉलेज। यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जो कि माइनॉरिटी के लिए होते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी में कौन कौन से, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए है और साथ ही साथ सिख माइनॉरिटी के लिए है। तो ये जो है जीसस एंड मैरी कॉलेज हो गया और सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए ये दो कॉलेज रिजर्व है, ठीक है। साथ ही साथ रिजर्व है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर क्रिश्चियन ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इन माइनॉरिटी कॉलेज 50% ऑफ द सीट्स आर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी एंड 50% आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी। तो जो है एक ओपन कैटेगरी होगा 50% सीट्स, जिससे 100 सीट हो गए तो 100 में से 50 सीट जो है 50 सीट वो तो रिजर्व रहेंगे क्रिश्चियन के लिए बस, ठीक है। तो 50 तो माइनॉरिटी के लिए हो गए और 50 और भी रहेंगे जो ओपन कैटेगरी में है, ठीक है। वैसे सिख माइनॉरिटी में आपके यहाँ पर चार कॉलेजेस है, माता सुंदरी हो गया, ठीक है, श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर नीचे है, ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पर गोविंद सिंह कॉलेज है और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। तो ये चार के चार कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको माइनॉरिटी कॉलेज ये देखने को मिल जाएंगे, ओके। ये बात होगी, आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सिख माइनॉरिटी हूँ तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। ये हो गई बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कॉलेज एंड कोर्स वाइज सीट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कॉलेज एंड कोर्स वाइज सीट्स कितने हैं। मान लो कि अगर आपको जो है मान लो हिंदी करना है, बीए इन हिंदी करना है, हिंदी ऑनर्स, तो हिंदी ऑनर्स के लिए कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं ये लिस्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिस्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये देखो, बीए ऑनर्स अरेबिक आपको करना है, ठीक है, बीए ऑनर्स अरेबिक आपको करना है, तो आपको क्या करना होगा, देखो जो भी ऑनर्स कोर्स होगा ना, तो ऑनर्स में आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो बीए के कोर्सेज हैं, एक तो आपको लैंग्वेज लेना होता है, ठीक है, और थ्री आपको डोमेन लेने होते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक लैंग्वेज का मतलब 200 नंबर इधर और 600 नंबर इधर, यानी कि टोटल आपका जो बनता है यहाँ पर सीयूटी का स्कोर वो 800 में यहाँ पर काउंट होता है, 800 नंबर पे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अरेबिक अगर आप ले रहे हो तो अरेबिक लैंग्वेज अगर आप लोगे, अरेबिक फ्रॉम लिस्ट ए, तो आपको ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो अरेबिक जनरली कौन से बच्चे लेंगे, ट्वेल्थ में कहाँ पर अरेबिक पढ़ाया जाता होगा, मुझे लगता है कहीं पे, ठीक है। तो सभी लोग लैंग्वेज लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेते हो, ठीक है, तो वो लैंग्वेज और तीन डोमेन, जिस जो भी हम बी ऑनर्स की बात करें सब में लैंग्वेज तीन डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये देखो, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में ये अवेलेबल है, ठीक है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में ये अवेलेबल है, कौन सा, ये हम बात करें बी ऑनर्स अरेबिक। एक ही कॉलेज है जहाँ पर अगर आपको अरेबिक पढ़ना है तो आपको इसी में एडमिशन लेना होगा। तो इसमें 12 सीट है जनरल के लिए, 8 है ओबीसी एनसीएल के, एससी के लिए 4, तो इस हिसाब से पीडब्ल्यूडी के 1, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। बी ऑनर्स बंगाली करना है, इसके लिए भी क्राइटेरिया वही रहेगा, लैंग्वेज तीन डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो आप मिरांडा हाउस में ये है, ठीक है, और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में ये भी अवेलेबल है। बी ऑनर्स अगर आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश के लिए भाई यहाँ पर 23 कॉलेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, हो सकता है आगे भी हो, तो वही काम करना है, एक लैंग्वेज और तीन डोमेन आपको लेना है। आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, ठीक है, ARSD हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भारती कॉलेज हो गया, ये वुमेन कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज, दौलतराम कॉलेज, ये सब कॉलेजेस के नाम है, ठीक है। अभी ये आपको घबराने नहीं कि सर ये कहाँ से मिले, देखो टोटल 48 कॉलेज है जहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स आपको पढ़ाया जाता है। वैसे बी ऑनर्स फ्रेंच करना चाहते हो तो ठीक है, बी ऑनर्स फ्रेंच आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से होगा, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये रोमांस स्टडीज ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर बी ऑनर्स जर्मन करना है तो उसके लिए भी एक ही है, ठीक है। और ये हिंदी के लिए, हिंदी के लिए देख लो, हिंदी ऑनर्स अगर आपको करना है तो हिंदी ऑनर्स के लिए यहाँ पर 42 कॉलेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, आगे भी हो सकते हैं, ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखो तीनों चीज़ हम समझा देते हैं, देखो क्या है यहाँ पर, एक तो ये है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है, और इसके लिए आपको सीयूटी में क्या क्या ऑप्ट करना है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन से कॉलेज में ये कोर्स चलता है और कितने सीट्स हैं, तो तीनों चारों चीज़ एक ही में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कोर्स भी हो गया आपका और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, सीट भी हो गया, तो तीनों चारों चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। अभी आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, हम वहाँ पर इसको अपलोड करा देंगे। या फिर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो बस इतना लिखना, ठीक है, DU
बुलेटिन, ठीक है, इसको आप सर्च करना कहां पर, तो गूगल पर ऑफ कोर्स, ठीक है, तो गूगल पर डीयू बुलेटिन सर्च करोगे, वहां पर बुलेटिन खुल जाएगा, उसको ओपन करना, ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये चीज हमने यहां पर कर लिया, अब हम आते हैं और थोड़ा पीछे की ओर, ठीक है, इसके बाद और आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया, आपने देख लिया यहां पर कोर्स देख लिया, कॉलेज देख लिया, कोर्स वाइज सीट्स आपने देख लिया, सब कुछ वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिख गया, ठीक है, सारे कोर्सेज को वहां पर दिया। अब आती है भाई की कट ऑफ के बारे में, एक बार देख लो, तो जो 800 नंबर पर बनते हैं यहां पर बीए का और बीकॉम की बारे में बात करें, ठीक है, बीए बीकॉम के बारे में, तो नॉर्थ कैंपस में जनरल कैटेगरी अगर आपका है 700 के आसपास अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जो है नॉर्थ कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगेन कोर्स वाइज भी डिफर करता है, बीकॉम में लोगे तो हो सकता है 690 के आसपास में हो जाए, ठीक है, बीए में लोगे तो 720 भी हो सकता है, ठीक है, तो वही बात है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई कोर्स में आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा इतने नंबर पे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में वही है, ठीक है, थोड़ा कम हो गया है, ओबीसी में, ठीक है, एससी में, तो एक एक करके साउथ कैंपस के लिए, ऑफ कैंपस के लिए आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन अगर कम भी नंबर आ रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार कम नंबर में भी आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाता है ऑफ कैंपस में कम से कम, ठीक है, तो कम नंबर भी है 300 नंबर 350 नंबर आए तो भी आपको ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंसेस में सेलेक्ट करने हैं, फेज टू में जब आप प्रेफरेंस भरोगे तो ज्यादा ज्यादा कॉलेज आप जरूर से वहां पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला, यहां पर हम बात कर रहे हैं बीएससी के, तो बीएससी में हम सिर्फ जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं, ये 800 नंबर पर, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, बीएससी मैथ्स की, ठीक है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो ये तीनों जो है वो 800 नंबर पर बनता है, जिसमें लैंग्वेज जो है आपका लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ते हैं, तो 630 है तो आपका इसमें हो जाएगा साउथ कैंपस, 540 435 है तो ऑफ कैंपस में, ठीक है, और यहाँ पर ये 600 नंबर वाला, बाद बाकी जितने भी बीएससी कोर्सेस हैं उसमें 600 नंबर पर बनेगा, ठीक है, इन तीन के अलावा, तो 290 240 हमने लिखा है यहाँ पर, बीएससी प्रोग्राम के लिए 225 नंबर भी आपका है 600 में से, तो आप नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बीटेक भी यहाँ पर चलता है, बीटेक के लिए 580 के आसपास अगर है आपका, इसमें जनरल टेस्ट भी देना होता है, ठीक है, लैंग्वेज मैथ अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, तो 200 इधर हो गया, 200 400 और 650 में यहां पर 580 के अगर आसपास है, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है, तो और साथ ही साथ लास्ट में, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आपको 2025 के लिए कोई भी अगर तैयारी कर रहा है या फिर आपके छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं यूजी में, ठीक है, फीस भी आपके बता दिया गया, 21 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको पीजी में अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगे, तो जिनको भी तैयारी करनी है आप उनको बता सकते हैं और हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में बचता है कि भाई थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटी क्या क्या थे, ठीक है, फैसिलिटीज के बारे में हमने आपको अभी तक नहीं बताया, ठीक है, थोड़ा सा फैसिलिटी के बारे में भी देख लेते हैं, ओके, यहां पर आ जाते हैं, तो फैसिलिटीज में वो सारे फैसिलिटीज जो हमने दूसरे यूनिवर्सिटीज में आपको बताए हैं लगभग यहां पर भी सारे के साथ, जैसे आपको यहां पर हॉस्टल भी मिल जाता है, ठीक है, हॉस्टल का फी यहां पर 20,000 के आसपास रहेगा, थोड़ा सा मतलब उसके आसपास, तो ध्यान देना यहां पर फी थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में समझ सकते हो ना, दिल्ली आप समझ रहे हो कि आप भारत के सबसे अच्छे सिटी में जाकर रह रहे हो, मतलब आप लगेगा कि आप शहर में अभी रह रहे हो, मतलब शहर में आप रहने आए हो, अभी जहां भी रह रहे हो आप लगेगा कि गांव में आप रह रहे थे, वहां जाओगे तो आपको लगेगा कि हम सच में शहर में अभी रह रहे हैं, तो वहां पर जो है फी थोड़ा ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो और साथ ही साथ कोर्स के फी के बारे में हमने बात करी है, तो कोर्स के फी के बारे में बता दे रहा हूं, जैसे अगर बीए कोर्स अगर आप कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो, कोई स्पेशल कोर्स नहीं है, मतलब नॉर्मल कोर्स आप कर रहे हो तो आपको लगभग 8,000 से 10,000 के आसपास यहां पर फी लगेगा, ठीक है, 8,000 से 10,000 के आसपास फी लगेगा। लेकिन अगेन कोई आप यहां पर स्पेशल कोर्स करने जाते हो, क्या होता है ना, अलग अलग कॉलेज में यहां पर अलग अलग फी होता है, ठीक है, तो और कोर्स वाइज भी फी डिफर करता है, तो लगभग आप समझो बीए में लगभग 8,000 से 10,000, बीएससी में भी उतना ही, बीकॉम में भी उतना, लेकिन कोई स्पेशल कोर्सेज करोगे तो 20,000 25,000 35,000 वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, लेकिन ये हमने नॉर्मल कोर्सेज के फी यहां पर बता दिए। अब यहां पर देख लेते हैं कि भाई एमिनिटीज क्या क्या, जैसे यहां पर क्लिक करोगे एमिनिटीज आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ, जैसे हेल्थ सेंटर हमने बताया तो हेल्थ सेंटर यहां भी है, हॉस्टल पर क्लिक करोगे हॉस्टल भी आपको दिखेगा, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस भी है, ठीक है, यहां पर सेल भी है अपना, यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस भी है और यूनिवर्सिटी प्रेस भी है यहां पे, तो यूनिवर्सिटी गार्डन भी है, तो सब कुछ अवेलेबल लगभग लगभग यहां भी है, जो भी आप कंप्यूटर सेंटर भी है, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी यहां पर है, तो प्लेसमेंट के लिए भी आपको यहां पर कुछ कुछ कोर्सेज में आपको प्लेसमेंट भी हो जाते हैं, जैसे बीबीए बीएमएस जो कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज हैं और जो कुछ फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स हैं तो आपको यहां पर ये भी मिल जाएगा, तो लगभग सारी चीजें हैं, तो इसको अलग से हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर बस ध्यान रखना फी थोड़ा ज्यादा लगेंगे, जो हमने यूनिवर्सिटी अभी तक बात करी है इस एपिसोड में सीरीज में, उससे यहां पर फी आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गई बात हमारी
इसके बाद यहाँ पर कैंपस के बारे में हमने बताई दिया था, तो यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, तो यहाँ पर DU के लाइब्रेरी सिस्टम पूरा चलता है, ई लाइब्रेरी भी है, वहाँ से बुक्स आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर है। साथ ही साथ लास्ट में हम आपको रिव्यू देना चाहेंगे, तो DU के बारे में एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमने यहाँ पर बच्चों से बात करके ये जो मुझे जो पता चला है कि अगर आप और किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आसपास के एरिया के बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं। जैसे मैं BHU की बात करूँ, तो जब से CUT आया है तब से तो मतलब देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर आने लगे हैं, लेकिन जब यहाँ पे CUT नहीं लागू हुआ था तो बाहर मतलब दूर दूर के बच्चे थोड़े कम आते थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसी के आसपास के बच्चे यहाँ पर पढ़ने ज़्यादा आया करते थे, ठीक है, ज़्यादातर आपको बिहार के बच्चे यहाँ पर और UP के मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे CUT आ गया है थोड़े ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आने लगे हैं, लेकिन DU में ऐसा नहीं है। DU में आपको एकदम डाइवर्स कल्चर मिलेगा। DU एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग फेथ को मानने वाले, ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर अलग अलग, मतलब आपके बगल में होगा जो किसी और चीज़ का तैयारी कर रहा होगा, आपके बगल में बैठा वो किसी और चीज़ के लिए, ठीक है, हाँ, और CBSE ICSE वाले बोर्ड वाले मतलब इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगे, वहाँ पर मूवीज़ भी बनते हैं, ठीक है। BHU में ऐसा कल्चर आपको देखने को थोड़ा कम मिलता है, तो डाइवर्सिटी आपके नाम पर अगर आप वहाँ पर जाते हो आपको एक्सपोजर ज़्यादा, सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, और आप मतलब एक बहुत अच्छे नागरिक वहाँ से बन के निकलोगे, नो डाउट, ठीक है, तो एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा DU से मिल जाएगा। तो ये रही बात, आज हमने DU का पूरा टूर किया है, आई होप कि ये जो DU का टूर है आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ और भी कोई सवाल है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में रखना, और किस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए आपको अगले एपिसोड में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।